मुसलमान ही नहीं, हम तो ये कहते हैं सब हिंदू शास्त्री मेरा बेटा है, ये धीरेन्द्र शास्त्री उसको अभिभक्ति है, जो बोले बोले हाँ। मेरा कोई सर्विस एजेंट है या मेरा कोई मेंटोर है, वो धर्म गुरु होंगे जिसके होंगे, मेरे नहीं है, मेरा कोई धर्म गुरु नहीं ना, मेरा कोई राष्ट्र की मांग करते धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं मानते। धीरेन्द्र शास्त्री क्या कोई पैदा करके हमें भेजा? धीरेन्द्र शास्त्री ने हमारे बाप ने हमें पैदा किया, कोई नौकर है धीरेन्द्र शास्त्री के, हमें क्या मतलब धीरेन्द्र शास्त्री वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा वो जाने, हम भी मंदिर नहीं जाते, हमें ले जाओ पकड़ के कहाँ ले जाओ, हम नहीं जाते। धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे थे, धर्म गुरु है, हमने कह दिया ना हम नहीं मानते किसी का। सीकर और जनता को राशन मिल रहा है, अच्छा फ्री में, अपंगू बनाओ, अपंगू उनका 56 इंच का सीना, मैडम कोई 56 इंच का सीना तुमने नापा था क्या, जाके नाप लो। शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं ये सारे जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे, भगवा रंग का जो कपड़ा पहना हुआ है, ये सारे हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और हमारे साथ में एक प्रोफेसर मौजूद हैं, आप अभी कह रहे थे, आप लोग पहले तो ये बताए हिंदू राष्ट्र आपको क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? अरे भाई इस देश में रहने वाले हिंदू कितने हैं? कितने हैं हिंदू? 85% है ना इस देश, पूरे दुनिया में 850 करोड़ लोग रहते हैं, 850 करोड़ पूरे भारत में, 135 करोड़ की आबादी है। 135 छोड़िए, 135 बाद में आएगा, अभी सुनो मेरी बात। 850 करोड़ पूरी दुनिया में है, इस दुनिया में से 49 देश तो इस्लामिक हैं, 71 देश क्रिश्चियन है, और वो क्रिश्चियन कंट्री हैं, वो मुस्लिम देश हैं, तो यहाँ अगर एक हिंदू राष्ट्र जिसमें 85% लोग रहते हो, सुनिए बात सुनिए, आप बोल रहे हैं 85%, भारत इसी के लिए जाना जाता है, बहुसंस्कृति है, बहुभाषी है, इसीलिए भारत विश्व पटल पे पहले नाम करता था, भारत की संस्कृति पहले भी अमर थी और आज भी लोग भारत को इसीलिए जानते हैं क्योंकि सब लोग हिंदू राष्ट्र रहने के बाद कौन सा हम वो टैग थोड़ा ही बदल रहे, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, अब भी है तब भी रहेगा वासुदेव कुटुंबकम, हमने कब कहा कि मुस्लिम भाषी है, तो क्या कह रहे हैं सब रहेंगे, मुस्लिमों की भी आजादी में जब अंग्रेज यहाँ पे थे आजादी में उतना ही योगदान है जितना हिंदुओं का है, बिल्कुल है, मानते हैं मुसलमान ही नहीं, हम तो ये कहते हैं सब हिंदू है, सब हिंदू है। अपना नाम आप घर वापसी करवाएंगे किसकी? मुसलमानों की। घर वापसी की बात है मैडम, क्या शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री आपके कहते हैं, सुनिए कितनी बार बोले क्यों नहीं बोलेंगे, अच्छा आपने बोला आज, सुनिए सुनिए घर वापसी की कोई बात ही नहीं, अभी धीरेन्द्र शास्त्री बोले थे हम तो पाकिस्तान में, शास्त्री मेरा बेटा है, ये धीरेन्द्र शास्त्री उसको अभिभक्ति है, जो बोले बोले मेरा कोई सर्विस एजेंट है या मेरा कोई मेंटोर है, वो बात करें वो धर्म गुरु है, वो धर्म गुरु होंगे जिसके होंगे, मेरे नहीं है, मेरा कोई धर्म गुरु नहीं ना, मेरा कोई राष्ट्र की मांग करते धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं मानते। धीरेन्द्र शास्त्री क्या कोई पैदा करके हमें भेजा? धीरेन्द्र शास्त्री ने हमारे बाप ने हमें पैदा किया, मोदी जी को, मोदी सुनिए मोदी जी नौकर है धीरेन्द्र शास्त्री के, वो साल के लिए खा रहे हैं हम धीरेन्द्र शास्त्री का, हमें क्या मतलब धीरेन्द्र शास्त्री वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा वो जाने। तो देश एक देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से? संविधान से चलेगा, मनुस्मृति का वहाँ हिंदुस्तान तो कहीं है नहीं, वहाँ तो है हम भारत के लोग हैं, हम सब मिलकर रहेंगे भारत। ये आपकी समझ है, आप इतिहास पढ़ती नहीं, पत्रकार हैं, स्टडी करती नहीं, सर इतिहास को तो अब हटा दिया गया है, मुगलों का ही हटा दिया चैप्टर, मुगलों का छोड़ो यार, मुगलों की बात ही नहीं कर रहा, सर सरमद अहमद खान मुगल थे क्या? सर सैयद अहमद खान मुसलमान थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन वाइस चांसलर थे और वाइस चांसलर रहे, और उनको पढ़ना आप मुस्लिम ही थे और सर सैयद अहमद अब्दुल कलाम के बारे में, अब्दुल कलाम तो एक बहुत अच्छा इंसान है, वो मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिम नहीं ना? क्या है वो? कहाँ गया वो नमाज पढ़ने गया था कभी? देखा तुमने उसकी मस्जिद? देखी किस मस्जिद में नमाज पढ़ी थी उसने, आपको पता है? देखा है मुझे किसी मंदिर भी तो नहीं गए कौन? तो यही तो इंस्पेक्शन है हमारे देश की, हम भी मंदिर नहीं जाते, हमें ले जाओ पकड़ के कहाँ ले जाओ, हम नहीं जाते। आप धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे थे, धर्म गुरु है, हमने कह दिया ना हम नहीं मानते किसी को, अच्छा आदमी है। को लेके आप क्या, दो मिनट सर, बीजेपी को लेके आप कुछ बोल रहे थे, मोदी जी इतने अच्छे जो हैं प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय हैं, विश्व पटल पे अपना नाम रोशन कर रहे हैं और आपको तकलीफ हो रही है? हाँ हो रही है। क्यों? रोजगार का स्टेटस बता सकते हो? 2000
करोड़ जनता को राशन मिल रहा है। अच्छा फ्री में अपंगू बना, अपंगू बनाओ, अपंगू इस देश को खड़ा करो, एक टांग यहाँ दूसरी टांग यहाँ चलना पड़ेगा। आप मोदी जी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, उनका 56 इंच का सीना। मैडम कोई 56 इंच का सीना तुमने नापा था क्या? जाके नापे हो उसका तो 2 इंच का भी अगर 56 इंच का सीना होता ना, जहाँ वो पैदा हुआ जो उसका कार्य क्षेत्र है वहाँ से चुनाव लड़ता, जीतूंगा की तरह भाग गया उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं लड़ता वो? 56 इंच का सीना इनका है, 56 इंच का सीना, ये सब 56 इंच के सीने वाले जवान वहाँ पे धरने में, सब अधर्मी नहीं है, वे सब 56 इंच के सीने वाले। तो देख सकते हैं ये अभी बहुत आक्रोशित है और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये ना ही बीजेपी को मानते हैं ना ही धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हैं, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।